मित्र नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश अग्रवाल आप सभी का हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषय धारावाहिक हेल्थ यानी वेल्थ में स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में आज हमने शहर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ दंत रोग चिकित्सक डेंटल सर्जन डॉक्टर समीर जी केडिया को आमंत्रित किया है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर समीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय में जारी कोरोना महामारी और लॉकडाउन में आप कैसा अनुभव करते हैं, व्यक्तिगत रूप से और प्रोफेशनल रूप से? तो ये जो समय एक जो वर्किंग लाइफ से ब्रेक हमें मिला है, मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि अपनी हॉबीज को अपनी स्किल्स को डेवलप करने का ये समय है। और साथ ही जो है पारिवारिक समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं तो एक परिवार के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए हमें एक मौका मिला है। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अब सर, बात आपने और पूछी थी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेंटल क्लिनिक्स में भी ये समय नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स करने का नहीं है। हम लोग कुछ सिलेक्टिव ओपीडी और सिलेक्टिव प्रोसीजर्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। और एट द सेम टाइम मैं सिर्फ अमरावती शहर वासियों को ही नहीं, सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के डेंटिस्ट इस समय को अपने अपने क्लिनिक्स को अपग्रेड करने के में लगे हुए हैं। और सर, जैसे अभी बाकी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से है, तो डेंटिस्ट ने भी यह डिसाइड किया है कि हम लोग कुछ लिमिटेड समय के लिए ओपीडी शुरू रखेंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए एवं पेशेंट जो भी हमारे पास में आता है उसको अच्छी तरीके से उसकी हिस्ट्री ली जाए, उनको सैनिटाइज किया जाए और एक पेशेंट चेंबर में उस हिसाब से हम लोग उनका सिर्फ ओपीडी चेकअप करें। और अगर कुछ इमरजेंसी है उन पेशेंट्स को तो उतना ट्रीटमेंट हम लोग अभी इस सिनेरियो में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कहीं भी किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, उनको पेन से सफर ना होना पड़े, इसका भी डेंटिस्ट पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट हम लोगों को ओरल कैविटी के अंदर करना पड़ता है और इसमें करते समय डेंटिस्ट और डेंटल असिस्टेंट अगर साथ में हो तो हम लोगों को पेशेंट के ओरल कैविटी के यानी मुंह के बहुत ही पास में बैठना पड़ता है। उस पर्टिकुलर समय में सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मायना ही नहीं रहता, बट एट द सेम टाइम जो हम लोग डेंटल प्रोसीजर करते समय यानी फवारा या हमारा जो ड्रिल मशीन जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारे एयर रोटर को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं जिसके कारण अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है किसी कारणवश तो वो ड्रॉपलेट्स फैलने के और इन्फेक्शन फैलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए अभी पेशेंट्स को यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यह सलाह दे रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीजर है तो ही आप डेंटल ट्रीटमेंट को करवाइए, क्योंकि तो अभी तक एक पर्टिकुलर वैक्सीन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस महामारी का हमें मिला नहीं है। सर, एक चीज के तरफ मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे शहरवासी बाहर गांव में रहते हैं, जैसे बॉम्बे पुणे जैसे बड़ी सिटीज में रहते हैं, या कुछ लोग अपनी व्यस्तता के कारण पहले सुझाए गए डेंटल ट्रीटमेंट को नहीं कर पाते हैं। अब इस समय उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास में समय है या हम लोगों को उस समय सर ने बताया था ट्रीटमेंट तो अभी हम लोग उस ट्रीटमेंट को करवा ली। तो ऐसे जो महानुभाव है उनसे हमारी यह गुजारिश है रहेगी कि अगर इतने समय के लिए उस ट्रीटमेंट को जिसको हम लोग इलेक्टिव ट्रीटमेंट बोलेंगे जो कि इमरजेंसी के तहत नहीं आता है, उस ट्रीटमेंट को अगर इतने समय तक हम लोग टाल पाए तो कुछ दिन और हम लोग इसको टाल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम पेशेंट्स को हम यह भी आह्वान करते हैं कि आप किसी तरीके का डर या किसी तरीके का इन्फेक्शन का अपने भीति अपने मन में मत रखिए। अगर आपको सही में डेंटल इमरजेंसी में सर हम लोग जैसा बहुत सीवियर पेन है, अगर मसूड़ों में पस भर गया है आपके या कहीं स्वेलिंग आ गई है, दांत कोई किसी चोट के कारणवश दांत या जबड़ा टूट गया है, रक्त स्राव हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी बिना हिचकिचाते हुए आप डेंटल क्लिनिक्स में जा सकते हैं। सर, वैसे तो देखिए हम लोग हमेशा से कई वायरसों के बीच में काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में इस नया जो एक महामारी आई है, एक नया जो कोविड-19 वायरस आया है, इसके हिसाब से भी क्लिनिक को और ज्यादा कैसे अपग्रेड किया जाए इसके ऊपर हम लोग वेबिनार्स के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा, लिटरेचर पढ़ के अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे हैं, अपने क्लिनिक को भी अपग्रेड कर रहे हैं।
लेकिन थोड़ा समय इसमें जरूर लगेगा और हम लोग फिर से फुल फ्लेज डेंटल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपसे विदा का समय हो गया है, इसलिए नमस्कार, जय हिंद।